तो जी हाँ भाई, स्वागत है एक और वीडियो में। तो क्या कृष्णा भाई ने लिरिक्स कॉपी करी है दूसरे रैपर से? तो ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हमारे वासुदेव। अगर तुम उसको नहीं जानते मेरी तरह, तो ये मिक्स मास्टरिंग करता है, उसने सीधे मौत की मिक्स टेप को मिक्स मास्टर करा है। तो यूट्यूबर मिक्स विद वासुदेव, जिन्होंने अभी सीधे मौत की मिक्स टेप भी मिक्स मास्टर करी थी, तो वासुदेव ने आज एक स्टोरी शेयर करी। कृष्णा का ट्रैक प्रार्थना प्ले करा है एंड बाहर के आर्टिस्ट टियोन वेन का नाइट अवे ट्रैक प्ले कर। पहले एक बार इसको सुनते हैं। अब एक बार इसको सुनते हैं। पूछा किसी ने नहीं पूछा। अब तुम पूछोगे इससे किसने पूछी, तो मैं भी वही पूछ रहा हूँ, किसने पूछी इससे? मतलब सोच के देखो, तुम 10 साल से रैपिंग कर रहे हो और कोई भी चूतिया आके बताता कि भाई इसने इससे लिरिक्स कॉपी कर लिया, इसने ये कॉपी कर लिया। कृष्णा से पहले मेरा मन करा इसका सर फोड़ दूँ, और फिर जब उसको हेट पड़ता है, गालियाँ पड़ती है, तो ये स्टोरी डालता है कि गाइस स्टॉप स्प्रेडिंग हेट, मैं तो बस कुछ और कह रहा था। सीधे बोलो ना भाई, फट गई आपकी। अभी उन्होंने एक स्टोरी शेयर करी है एंड कहा है कि वो कॉपी नहीं बोल रहे थे। उनका कहना है, गाइस स्टॉप स्प्रेडिंग हेट, कॉपी थोड़ी बोला मैंने कृष्णा को, आई शेयर्ड इट फॉर फन, क्योंकि सिमिलर नेम्स थे, दैट्स ऑल। तेरा 2 करोड़ का ओपिनियन किसने नहीं पूछा? और अगर तू बता रहा, कम से कम प्रूफ तो दे। ऐसे कितने सारे गाने ड्रेक के सिमिलर है, वीकेंड के सिमिलर है, तो भाई कॉपी एक्सपोज। और इस बंदे ने गाउंटलेट, जिसने ममता इंटरलूड बनाया, तुमने सुना ही होगा वो गाना, तो ये उसको भी बोलता है कि भाई ऐसे गाने फेमस मत करो, ऐसे गाने बर्बाद हैं, बेकार हैं। उन्होंने एक स्टोरी शेयर करी जिसमें लिखा है, जितना तुम लोग म्यूजिक को मजाक में लोगे, उतना ही म्यूजिक तुम्हें मजाक में लेगा। इट ऑनेस्टली डजंट फील गुड टू सी दिस, थिंग्स नीड टू चेंज। अब मार चुदा ना, तू है कौन? सच्ची बता भाई, तेरी बुद्धि घुटने उठने में क्या? देखो बुरा लगता है कोई इंसान वायरल जाता है, तो इसके हिसाब से DHH में बस दुख दर्द स्ट्रगल ऐसे ही गाने होने चाहिए। और वो इंसान नया गाने बना रहा है या कुछ अलग टाइप की चीजें ट्राई कर रहा है, तो नहीं वैसा मत होने दो। मैं इसको जानता भी नहीं था, हर 2 महीने में कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी करता है, जबरदस्ती किसी ना किसी आर्टिस्ट को उंगली करता है। मतलब ये किसी भी आर्टिस्ट के ऊपर एलिगेशन लगा देगा, बोलेगा फिर गाइस यार हेट मत फैलाओ यार, बुरा लगता है यार, तुम गाली बड़े बक रहे हो। और मैं नहीं जानता इस इंसान को, ये पता नहीं क्या करता है, शायद कुछ और अच्छा काम करता भी होगा ये, तो इसलिए भी मतलब जाके हेट वेट मत देना। बस बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो भाई जल्दी से जल्दी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। जय श्री राम।